हमारे बीच में बहुत ही बड़े स्टार बॉलर अशोक शेखावत।
और यहां पर रनआउट का चांस हो सकता है, लेकिन थ्रो में हल्की सी देरी जिसकी वजह से फील्डर आराम से पहुंच गए क्रीज में। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे दोस्तों, ये मैच सुहाड़ा ए वर्सेस सुहाड़ा बी के बीच चलता हुआ शानदार धमाकेदार मैच, रोमांचक मैच चलता हुआ। और ये जो मैच जीतेगी वो सेमीफाइनल खेलेगी भिवानी के साथ। अगली बॉल और शंकर ने उठा के खेल दिया, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद और कैच आउट। और अजय ने ये कैच पकड़ा और इसी के साथ शंकर आउट होकर जाते हुए, और शंकर के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। और टीका को मिलती हुई पहली सफलता, इन्होंने सिंगल विकेट टूर्नामेंट में बाकर को हराया था। सिंगल विकेट टूर्नामेंट में पज में बाकर को इसने हराया था। काफी अच्छे बैट्समैन, विस्फोटक बैट्समैन। अब अगले बल्लेबाज आए हैं, बॉल हो चुकी है, अंतिम बॉल। सुशील उर्फ बाबा अब आए हैं सुशील बल्लेबाजी करने के लिए। और सुशील ने खेल दिया हल्के हाथों से और निश्चित ही दो रन चुरा लेंगे यहां पर। और दो रन चुरा लिए हैं यहां पर निश्चित ही सुशील ने, आते ही खाता खोला। तीन ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन सुहासड़ा का। ये मैच सुहासड़ा ए वर्सेस सुहासड़ा बी के बीच खेला जा रहा है दोस्तों। और जो ये मैच जीतेगा, जो टीम ये मैच जीतेगी, उसका मैच भिवानी के साथ सेमीफाइनल मैच होगा भिवानी के साथ। बहुत ही रोमांचक मैच होने वाले हैं दोस्तों, और कुछ ही देर बाद इस मैच के बाद सेमीफाइनल मैच स्टार्ट हो जाएगा, तो बने रहे हैं आप। और अब एक बार फिर से आए गेंदबाजी करने के लिए आलिया। जयपुर से बुलाया गया है आलिया। आलिया आए एक बार फिर से। एक आलिया भट्ट तो बैटर्स प्ले होंगे। ये बॉल आलिया की मोंटू के लिए, और मोंटू उठा के मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर हल्की सी मिसफील्ड हुई मिंटू के द्वारा। और एक रन मिल जाएगा इसी मिसफील्ड के द्वारा, मिंटू के द्वारा हुई मिसफील्ड, खराब फील्डिंग मिंटू के द्वारा। बाबा को विस्फोटक बल्लेबाजी दिखानी पड़ेगी। अब आया सुशील। मैच में सुमित कौशिक ने दिखाई थी भिवानी टीम की तरफ से, ऐसे ही कुछ बल्लेबाजी की उम्मीद है बाबा से। आलिया की ये बॉल काफी नीचे रही, ये बॉल छोटे कद के बॉलर हैं। ये एक घोषणा हुई है, अगर सुशील बाबा छक्का लगाता है तो प्रत्येक छक्के पर उनके टीम के कैप्टन मधु भीमवार की तरफ से 100 रुपए, और अगर वो नहीं दे तो उनके दादा दुकान में मिलेंगे। और ये सुशील ने उठा के खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। और सुशील के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, शानदार बल्लेबाजी सुशील के द्वारा। फटार बॉलर आलिया, इंपोर्टेड बॉलर के छक्का। 100 रुपए, अगर 100 रुपए नहीं मिलते हैं तो 100 रुपए के पेड़े मिल जाएंगे इनको। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे दोस्तों, बहुत ही खतरनाक मुकाबला, काटेदार मुकाबला सुहासड़ा ए वर्सेस सुहासड़ा बी में। ये मैच जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा दोस्तों, सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा दोस्तों, जो ये मैच जीतेगा वो टीम। आलिया ये बॉल सुशील बाबा के लिए, और ये बोल्ड, और ये बोल्ड होकर जाते हुए सुशील। और आलिया को मिलता हुआ दूसरी
सफलता यहां पर दूसरी सफलता मिलती हुई आलिया को। अच्छी वापसी छक्का खाने के बाद आलिया की, लेकिन सहारा टीम के कैरन पोलार्ड आंध्र। अब आए हैं अगले अगले बल्लेबाज चिकू। सुहाड़ा बी की आन बान शान चिकू, बड़े भाई को पछाड़ दिया है। चिकू आए हैं अगले बल्लेबाज, सुहाड़ा की आन बान और शान। ये बॉल आलिया की नवीन शर्मा के लिए, और चिकू ने लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है, पीछे वहां फील्डर मौजूद है, एक रन से संतोष करना होगा। चार ओवर की समाप्ति के बाद सुहाड़ा बी का बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। सूत्रों से पता चला है कि सुहासड़ा ए टीम ने नरेंद्र शेखावत उर्फ नरेंद्र स्टार को बाहर बैठा दिया गया है, इनको प्लेइंग 11 से बाहर रखा है। बॉलर नेम अब नए गेंदबाज आए हैं, प्रमोद इंपोर्टेड बॉलर प्रमोद आए हैं नए गेंदबाज सुरेंद्र, और सामना करेंगे चिकू प्रमोद का, और उठा के खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रन। पहला दंदनाता चौका यहां पर है चीकू के बल्ले से निकलता हुआ पहला शानदार दंदनाता हुआ चौका। अफगानिस्तान के बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ दोस्तों, सुहाड़ा ए वर्सेस सुहाड़ा बी के बीच ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला। जो टीम ये मैच जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। चिकू एक रन से संतोष करना होगा भाई यहाँ पर चिकू को, 170 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है ज्यादा, और इस बार उठा के खेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद, और ये चार रन। मिसफील्ड हुई यहां पर आलिया के द्वारा, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रन। एक रन से संतोष करना होगा। एक बार फिर से मोंटू, अगली बॉल मोंटू के लिए, नवीन शर्मा की, फिर से उठा के मारना चाहते थे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 43 रन सोनू राठौड़। और ये यहां पर मिडफील्ड, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रन। मिंटो एक बार लॉक खोल के दिए, यही कर सकते हैं, लॉक खोल के दिए। पीछे वाले सभी अब आ गए हैं चिक्कू, इनका बैट फ्लो मोहम्मद शहजाद की तरह होता है, काफी तेज।
एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर चीकू के रूप में अगले बल्लेबाज आए हैं जोगेंद्र आ गए हैं बैटिंग के लिए। जोगेंद्र आए हैं अगले बल्लेबाज साथ उनके बुआ का लड़का मोंटू सिंह दोनों एक ही परिवार के बैट्समैन खेलते हुए मुझे तो और अच्छा तब लगता जब नेहरू चीकू के साथ खेलता। कीपर ऊपर ले ले और कप्तान सोनू को मिलता हुआ है पहला विकेट चीकू के रूप में। शायद अगर समय बचा तो अगला मैच भिवानी वर्सेस इन दोनों टीमों के बीच में हारने जीतने वाली टीम के बीच में होगा। और ये उठा के खेल दिया नीचे फील्डर मौजूद लेकिन 6 रन बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर जोगेंद्र के रूप द्वारा और आते ही छक्का लगा दिया है जोगेंद्र ने। सुनील बेसरवाड़िया दोनों एक जैसे दिखते हैं कद काठी एक जैसी दोनों की माथे पर गमछा बांधते हैं। अगली बॉल जोगड़ी ने अच्छी तरह खेल दिया है सामने की तरफ सामने टीका भावी सरपंच सुहागा ए टीम के स्टार बॉलर ये शुरुआत में अपने ओवर करके चले जाते हैं फिर ग्रुप में सबको बोंटू ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आए थे अभी तक कुछ खास कमाल कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए देखते हैं अब क्या कर पाते हैं। और ये थोड़े दिशा से भटके यहाँ पर कप्तान सोनू और एक और अतिरिक्त रन का इजाफा वाइड बॉल हमारे गोताखोर और कमेटी के सदस्य अमन कुमार मद्दू के भाई पहुंच चुके हैं। बोल्ड कर दिया है सुनील राठौर ने और अब आए हैं क्रिस माई बैट्समैन यहां पर इस टीम में हर बैट्समैन पोलार्ड है। ये बोली नाइट क्रिकेटर सरदार से इंपोर्ट किया इनको सरदार शहर में ये कपास सूख रहे थे वहां से इनको बुलाया गया है। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं रोगड़ी भोली मोंटू एक ही परिवार से आते हैं। अब आए हैं डाणी के स्टार बॉलर और काफी अब आए हैं मिंटू नए गेंदबाज मिंटू इस बॉलर को प्रोसीमेंट बॉलर नहीं कह सकते कभी फिट सकता है। झोगड़ी के लिए मिंटू काफी खराब बॉल वाइड बॉल और ये दिशा इन गेंदबाजी और ये खराब शुरुआत है मिंटो की तरफ से और वाइड बॉल अतिरिक्त रन का एक बार फिर से इजाफा इस टीम के बस की बात ही नहीं है छक्के लगाना पहुंचे ही नहीं गोताखोर इस मैच के लिए। अगली बॉल और ये जोगेंद्र ने उठा के खेल दिया कवर्स की दिशा में पीछे वहां फील्डर मौजूद भावी सरपंच यहां पर जोगड़ी ने कुछ अंपायर को कहा है चेक कि मिंटू झटका मार रहे हैं यस उठा दिया है शॉट और 6 रन गेंदबाज उठा फील्डर के ऊपर से 6 रन ये मिंटू किशोर सिंह राणी गंगा विशन के एमपीएल में 2800 रुपए में टिके हैं। अगर झोगड़ी एक और छक्का लगाते हैं तो मद्दू कैप्टन की तरफ से माल्टा
खरीदेंगे नहीं, लेके जाएंगे। पीछे काफी खतरनाक फील्डर भी गया। एक बार फिर से दिशा इन गेंदबाजी, तो पीछे पकड़ने वाला कोई नहीं है। एक बार फिर से दिशा इन गेंदबाजी और कीपर ने भी मिसफील्ड की, जिसका खामियाजा भुगता और 5 रन मिलेंगे यहां पर सुहाड़ा बी की टीम को। सुहाड़ा बी की टीम को 5 अतिरिक्त रन मिलेंगे यहां पर। काफी खराब अगली बॉल मिंटू की जोगड़ी के लिए और ये आउट, स्टंप आउट का फैसला आउट। और यहां पर माड़ो की शानदार कीपिंग और अब आ गए और यहां पर आउट होके, आउट होकर जाते हुए जोगेंद्र उप जोगड़ी। पिछले 10 साल से इन्होंने अपनी बॉलिंग का लोहा मनवाया है आसपास के इलाकों में। इनकी बॉल हवाओं से बातें करती थी किसी जमाने में। अशोक उर्फ बिल्ला, अब आए हैं नए बल्लेबाज अशोक उप बिल्ला। अशोक उप बिल्ला आए हैं अगले बल्लेबाज। मिंटू की बॉल अपने पुराने साथी के लिए अशोक उर्फ बिल्ला के लिए, यहां ने थ्रो किया है लेकिन फिर से खराब फील्डिंग। कितनी खराब फील्डिंग करोगे पीछे। नेहरू इनकी फील्डिंग को देखते हुए स्कूप की तैयारी कर रहे हैं, पीछे की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं नेहरू डगआउट में। अगली बॉल मिंटू के लिए टॉस की दिशा में शानदार शॉट के लिए लंबे तेज और 2 रन आराम से पूरा कर लेंगे। बोली इन्होंने टिक्का गए, एक ओवर में 4 छक्के मारे थे और एक और रन यहां पर 3 रन चुरा लिए हैं। हैमस्ट्रिंग की चोट आ गई है और यहां पर मिंटू थोड़े चोटिल, यहां पर मिंटू थोड़े चोटिल होते हुए प्रेशर का प्रबंध करो भाई। जल्दी से जल्दी पीजीओ मैदान में पहुंचो। केएमपीएल मेन की टीम के कैप्टन अशोक सांगवान हमारे और यहां पर पीजीओ आ चुके हैं। पीजीओ सुरेंद्र बटालिया और सर बटालिया अंदर लिया गया है मिंटू शेखावत की जगह पर, चोट से ग्रसित हो चुके हैं ये, संक्रमण हो गया इनको। और ये अंपायर का इशारा फेस्ट बाउंस। अब कमेटी का सर्वमान्य सदस्य नहीं बैठा है दीपक शेखावत, कर दूंगा। काफी अच्छी बॉल और ओवर की समाप्ति। सात ओवर पीछे 75 रन 7 ओवर। ये सुनील राठौड़ आयोजक कमेटी के सदस्य है सुनील राठौड़, और सामने है इनके ही परिवार के भोली, काफी अच्छे धुरंधर बैट्समैन भोली।
मिसफील्ड होती हुई यहाँ पर एक रन का इजाफा। के लिए आगे हैं अशोक उर्फ बिल्ला, ये बोल काफी अच्छी तरह से घुमा रहे हैं और यहाँ पर है मिसफील्ड। मिसफील्ड जहाँ एक रन नहीं होना चाहिए, जहाँ पर आउट होना चाहिए था उसकी जगह दो रन दिए गए यहाँ पर माड़ू की तरफ से। खराब फील्डिंग है यहाँ पर सुहाड़ा ए के फील्डरों के द्वारा, बहुत ही खराब फील्डिंग है। जहाँ पर रन आउट होना चाहिए था वहाँ पर दो रन अतिरिक्त दिए गए हैं। अगली बॉल सुनील राठौड़ की, अशोक उर्फ बिल्ला नेशनल चैंपियन बैडमिंटन, और ये वाइड बॉल, अंपायर ने इसको वाइड बॉल करार किया है। पिच से नीचे नो बॉल होती है भाई, देखते हैं अंपायर का क्या इशारा आना बाकी। नो बॉल और ये अंपायर का इशारा नो बॉल और यहाँ पर अशोक बिल्ला को मिलती हुई फ्रीट, अगली बॉल बिल्ला और कोई बड़ा फायदा नहीं उठा पाए बिल्ला। शानदार यॉर्कर बॉल सोनू के द्वारा, बिल्ला इनके क्रिकेटिंग करियर का अंत आ चुका है। बॉलिंग में आज भी उनकी बॉलिंग धारदार है लेकिन बैटिंग में उनका अंत आ ही चुका है। अगली बॉल भोली के लिए और ये उठा के खेल दिया है गेंद बाउंड लाइन से बाहर, 6 रन और लंबा हिट, बहुत ही लंबा हिट यहाँ पर भोली के बल्ले से निकलता हुआ। शानदार बल्लेबाजी भोली के द्वारा, इनके बाजुओं में काफी जान है भोली। एक बार सुरेंद्र उस्टिक्का को 4 छक्के लगाए थे एक ओवर में, मात्र 11 बॉलों में 64 रन बनाए जिन्होंने। और ये डॉट बॉल और इस पारी की अंतिम ओवर अंतिम बॉल, 86 रन हो चुके हैं सुहाड़ा बी के, 86 रन, बहुत ही रोमांचक मैच ये, 86 रन हो चुके हैं सुहाड़ा बी के साथ मैच को फिनिश करेंगे दिनेश और भोली। और ये शानदार शॉट भोली के द्वारा पीछे, वहां फील्डर मौजूद और ये चांस हो सकता है रन आउट का, और 2 रन आसानी से यहां पर प्राप्त कर लिए भोली ने, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी भोली के द्वारा। टीम को जीतने के लिए 89 रन का लक्ष्य है और सुहाड़ा ए को अगर ये मैच जीतना है तो 89 रनों का लक्ष्य पार करना होगा। बहुत ही अच्छी बैटिंग है सुहाड़ा बी के द्वारा। बस इनके पास कोई कार्लोस ब्रैथवेट नहीं है, कोई पोलार्ड नहीं है,
टीम के अच्छे बैट्समैन की पहचान यही होती है बैटिंग की चोट के संक्रमण के बाद। फिर से आ गए हैं बैटिंग के लिए, इनको बैटिंग का चालू करना है। जीत के लिए ऑनलाइन स्कोरिंग के लिए 89 रन का टारगेट है, 88 रन बनाए हैं सुहाड़ा बी की टीम ने। शानदार बल्लेबाजी हुई है सुहाड़ा की तरफ से और बल्लेबाजी के लिए आए हैं सुहाड़ा ए की तरफ से बल्लेबाजी करने आए हैं गुणी गुणिया उप गुणी उप गुणिया और मिंटू। अगला एक मैच और हो सकता है सेमीफाइनल मैच पहला। और ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए मिंटू और मिंटू का साथ देंगे गुणिया उप गुणी। बड़ा लक्ष्य मिला है यहाँ पर सुहाड़ा ए की टीम को, 8-8 ओवरों का ये मैच। देखते हैं इस मैच में क्या कमाल कर पाते हैं और 89 रन का किसकी जोड़ी में ये मैच जाने वाला है। शानदार मैच दोनों ही टीम है टक्कर की। दुआ के चमकते हुए सितारे भिवानी की तरफ, भिवानी के खिलाफ 2 विकेट ली थी, 2 ओवर में 37 रन देके 2 विकेट। सबसे किफायती बॉलर दुआ में रहे थे ये भिवानी के खिलाफ, 2 ओवर में 37 रन देके 2 विकेट। ये भाई मिंटू बैटिंग स्टार्ट करे और अंपायरिंग के लिए एक अंपायर चेंज हुआ है, काफी विस्फोटक बैट्समैन सुरेश कौशिक अंपायरिंग के लिए आए हैं। 12 रोल मंत्री 12 रोगड़ी वैसे घूम रहा है रोगड़ी पूरा जबर भगा दीजिए। बाजी उराजो कमेंट्री कर लो, उराजो कमेंट्री कर लो। टीम के कैप्टन नत्थू ने टीम के सबसे उम्रदराज सबसे भरोसेमंद बॉलर को ओवर दिया है नेहरू शर्मा। नेहरू आए गेंदबाजी करने के लिए। आज तक इन्होंने एक टूर्नामेंट भी नहीं जीता है। हमेशा से ही हारते आए हैं। देखो अब की बार सुहासड़ा की किस्मत चमक जाए। पहली बॉल नेहरू की मिंटू के लिए, मिंटू ने उठा के खेल दिया है। पीछे उनके भाई सीनियर स्टार चेस करते हुए बॉल को और 2 रन। दो रन से संतोष करना होगा मिंटू को। अगली बॉल नेहरू शर्मा की मिंटू के लिए, काफी अच्छी बॉल, सम्मान दिया पूरा नेहरू की बॉल को। अगर यहाँ पर भिवाड़ी वाले होते तो दर्शक दीर्घा में सम्मान मिलता इनको। अगली बॉल नेहरू की मिंटू के लिए, काफी अच्छी बॉल लेकिन दिशा से थोड़ा भटके तो पड़ेंगे फटके, वाइड बॉल।
अगली बॉल नेहरू की और ये लगा दिया है गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रन और नो बॉल। मिंटू को मिलती हुई नो बॉल और नो बॉल का फायदा उठाया मिंटू ने गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रन। ये लगता है इन्होंने भिवाड़ी वालों को देख लिया कटर फेंकते हुए। भाई वो अजय सिंह का काफी अच्छा कटर बॉलर है, 10 साल का एक्सपीरियंस हुए। शानदार बल्लेबाजी होती है मिंटू की तरफ से। कॉपी करने की कोशिश मत करो। और एक बार फिर से उठा दिया है स्ट्रेट ड्राइव और ये क्या कर दिया यहाँ पर गुणी ने। पहले भाग रहे थे दो रन लेने के लिए और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई यहाँ पर और यहाँ पर विकेट गवाया मिंटू ने। काफी नाखुश मिंटू, जहां एक रन ही होना चाहिए था वहां पर रन आउट हुए मिंटू। बॉल देखो भाई, बॉल देखो। यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उसी के साथ सबसे खतरनाक बैट्समैन मुकेश। अब आए अगले बल्लेबाज मुकेश। दूधवा में 5 बॉल खेली, पहले राउंड में बाहर हो गए थे लेकिन 5 बॉलों में 4 छक्के मारे थे इन्होंने। मुकेश सेक्रेटरी अंपायरिंग टीम में खेले थे। अब आए अगले बल्लेबाज मुकेश। अगली बॉल नेहरू की फौजी के लिए। भाई साहब काफी अच्छा उठा के खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन गुणी के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। और अब इनके चरण स्पर्श करते हैं बॉल के। रन 4 बॉल, ये आज दूधवा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे सोहाटा ग्राउंड में। अगली बॉल, ओहो काफी अच्छी बॉल, युवराज की तरफ तरह इन्होंने अपनी गोड़ी ढाली लेकिन कुछ नहीं मिला। तो जी वो बीएसएफ पे लगे हुए हैं, इनकी टीम दूधवा फाइनल में आ रही थी ओलदार वर्सेस सिवान स्टार्स के विरुद्ध। लास्ट बॉल और गोनू ने उठा के खेल दिया है, फील्डर वहां मौजूद और अच्छी फील्डिंग यहां पर है लेकिन 6 रन, 6 रन। एक ओवर की समाप्ति पर 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छे नेहरू भाई, आप सुहारे टीम ने ऐलान किया है कि अगर नेहरू चाहे तो एक ओवर कर सकता है लगता है। सोनू राठौर ये कह रहे हैं कि नेहरू एक ओवर लगातार और भी कर सकता है। मेरे भाई बड़े भाई नेहरू बाहर आ रहे हैं उनकी जगह। अब आए हैं जोगिंदर, अब आए हैं जोगिंदर उर्फ जोगड़ी। इन्होंने सभी अपने विस्फोटक बल्लेबाजों को बाहर निकाल लिया है और एक्स्ट्रा फील्डरों को अंदर कर दिया है फील्डिंग के लिए, साथ में इनके धोनी एड्रेसर सांडिया काफी अच्छे बॉलर। जोगड़ी की ये बॉल सेक्रेटरी के लिए और उठा के खेल दिया है। शानदार शॉट, 6 रन पहली बॉल पर। लगता है सुहासरा भी 4 ओवर मैच खत्म करवा लेंगे अपना। सेक्रेटरी काफी खतरनाक बैट्समैन है, दम तोड़ा में 5 बॉलों में 4 छक्के लगाए थे और 5वीं बॉल पर आउट होकर चले गए। इनकी टीम 35 रनों पर ऑल आउट हो गई। अगली बॉल फिर उठा दिया है पीछे फील्डर सिलिया स्टार, 2 रन। मुकेश सेक्रेटरी की टीम ने कुल 35 रन बनाए वहां पर दुधवा में, लेकिन 24 रन मुकेश सेक्रेटरी के 4 छक्कों के ही थे।
ये जोगड़ी की अगली बॉल काफी अच्छी बॉल, सम्मान दिया मुकेश सेक्रेटरी ने और सम्मान लायक बॉलर है भी जोगेंद्र जोगड़ी। इनकी टीम अगली बॉल, ओहो काफी करारा सुंदर प्रहार कॉस के दिशा में खेला हुआ है ये शॉट, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रन। इनकी टीम भी तारों से सजी हुई है, मिंटू इनके जो ओनर बैट्समैन थे उनको रन आउट करवा दिया गया। इसके बाद मुकेश सेक्रेटरी, सुनील राठौर, सुनील बेसरवाड़िया, अजय जांगड़ा, अगली बॉल काफी सुंदर कट और चार रन, ऐसी आतिशी बैटिंग मन को मोहित कर लिया, बहुत ही करारे बढ़िया सुंदर शॉट, आकर्षक शॉट देखने को मिल रहे हैं चौहासड़ा के इस ग्राउंड में। कप्तान मधु टीम के इस प्रदर्शन से काफी नाखुश दिखाई दे रहे हैं, इनके पैर चलने कम हो गए हैं। अब अगली बॉल, ओहो काफी सुंदर बॉल, सम्मान दिया मुकेश सेक्रेटरी ने। अगर मुकेश सेक्रेटरी को आउट नहीं किया तो ये मैच आप चार ओवर में खत्म करवा लेंगे। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर 35 रन। दो ओवर, सुहासरा टीम ए और दर्शकों की डिमांड है कि दूसरा ओवर नेहरू फेंके। अब आए हैं मोंटू सिंह बीकानेर महाराणा प्रताप क्लब से, काफी अच्छे ट्रिक बॉलर। ओहो ये लप्पा घुमा रहे हैं दूध वागे फौजी, ओहो काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर राहुल मंत्री की तरफ से। राहुल उर्फ मंत्री काफी अच्छे फील्डर है, काफी अच्छी बॉल डॉट बॉल, बहुत ही बढ़िया कटर डालते हैं ये मोंटू सिंह डॉट बॉल। अगली बॉल, काफी अच्छी बाहर की तरफ निकली और पीछे की तरफ, मधु सबसे बेस्ट फील्डर है तो आंकड़ा गाँव के। अरे बॉल ही कितने से क्या बॉलिंग है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर मोंटू के द्वारा, मोंटू सिंह की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अंदर से बाहर की तरफ ला रहे हैं, सेक्रेटरी को कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे कर्व की दिशा में खेला है शॉट, एक रन से संतोष करना होगा। अगर इनके इस टीम के पास इतनी अच्छी गेंदबाजी थी तो पहला ओवर, गलती करवा दिया। अगली बॉल और ये वाइड बॉल, अच्छी बॉल थी लेकिन हल्की थोड़ी सी दिशा इन गेंदबाजी, और यहाँ पर हल्की सी मिसफील्ड, बाउंड्री की दिशा में जाती हुई बॉल और ये अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग कैप्टन मधु की तरफ, और अपनी टीम के लिए निश्चित ही 2 रन बचाए हैं कैप्टन मग्गू ने, कैप्टन मग्गू ने निश्चित ही 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। 3 ओवर 40 रन। अब आए हैं सबसे बेस्ट खतरनाक बॉलर अशोक उर्फ बिल्ला, लाइन लेंथ के धनी, ये बॉल अशोक बिल्ला की काफी कसी गेंदबाजी करते हैं ये, मुझे तो लगता है इनके पूरे ओवर को सम्मान देना पड़ेगा सेक्रेटरी को, आउट हो जाएंगे। अगली बॉल अशोक बिल्ला की वाइड बॉल, वाइड बॉल, एक और दिशा इन गेंदबाजी। अब अशोक बिल्ला में वो बात नहीं रही
गति कम हो गई, अब तो महिलाओं जितनी गति फेंक रहे हैं बस 120 115। देखो और ये अपील, लेकिन एक और दिशा इन गेंदबाजी वाइड बॉल। काफी सोच विचार के ये फैसला लिया युवराज अग्रवाल ने। लगातार इनपे एक और अतिरिक्त एक और वाइड रन का इजाफा यहाँ पर, एक और वाइड बॉल, एक और वाइड बॉल। जिम्मेदारियों ने इनको जकड़ लिया। नहीं तो ये वो प्लेयर था, 3 ओवर 5 रन से ज्यादा नहीं देता था। बॉल और ये बॉल, शानदार गेंदबाजी। सम्मान दो इनकी बॉल को। और अब सेक्रेटरी दे रहे हैं स्कोर क्या होगा। अब आ गए हैं इंपोर्टेड प्लेयर दूधवा से, स्कोर बताने दोनों इंपोर्टेड। भारतीय लॉन्च किया गया इनको, इसरो स्कोर दूधवा 40 रन। कैप्टन मधु अब खुश होते हुए 43 रन आफ्टर लॉस ऑफ 2 विकेट। अगली बॉल बिल्ला की और एक और वाइड बॉल, एक और वाइड बॉल यहां पर। अगली बॉल काफी अच्छी बॉल अशोक उर्फ बिल्ला की। और ये आउट, एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर सुहाड़ा, एक ही टीम का। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अशोक के द्वारा, कोई मौका नहीं किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने का। और अब आए हैं कप्तान खुद सोनू उर्फ सुनील राठौड़। सोनू उप सुनील राठौड़ आए हैं। और ये डॉट बॉल, ये अंपायर का इशारा वाइड बॉल। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा यहाँ पर, वाइड बॉल, वाइड बॉल। और इस बार उठा के खेल दिया, पीछे फील्डर मौजूद लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन, शानदार अपर कट यहाँ पर सोनू के बल्ले से निकलता हुआ। हमारे यहाँ पर दर्शक दीर्घा में बहुत ही बड़े शॉट कीपर सोनू कौशिक पहुंचे हुए हैं। यहाँ से बैठ कर आलू का भाव बता रहे हैं दर्शकों को। आलू 25 रुपए किलो। टमाटर 50 रुपए धड़ी। अशोक रूप बिल्ला की ये बॉल सुनील, एक और दिशा इन गेंदबाजी वाइड बॉल। सोनू राठौड़ काफी उम्दा बैट्समैन, उम्दा बॉलर, हर जगह अपना योगदान देते हैं। सुनील राठौड़ आयोजक कमेटी के प्रधान, टोटल ने इनको बहुत सम्मानित किया था कुमारक ढाणी में। चार ओवर में मात्र 38 रनों की जरूरत है। अगर वो पहला ओवर 4 ओवर में जीतने के लिए 38 रनों की आवश्यकता, तो आपको याद है अगर वो नहीं आता तो 24 बॉलों में 38 रनों की आवश्यकता, 24 बॉलों में 38 रनों की आवश्यकता। नेहरू की बदौलत से अभी भी मैच में टिकी हुई है। ये ओवर विश्व क्रिकेट में
निश्चित करेगा कि जीत किस टीम की होने वाली है। और ये बॉल उठा के खेल दिया सोनू राठौड़ ने, गेंद बाउंड लाइन से बाहर, चार रन, शानदार बल्लेबाजी यहां पर। 23 बॉल में 44 रनों की आवश्यकता, 23 बॉल में 44 रनों की आवश्यकता, 23 बॉल में 44 रनों की आवश्यकता यहां पर सुहाड़ा एक ही टीम को। अगली बॉल मोंटू की तरफ से, और ये उठा के मारना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। सूचना देते हैं ये सुना कि अब तक टेनिस बॉल में लंबा और ये लगाएगा कवर ड्राइव और गेंद बाउंड लाइन से बाहर, चार रन। सोनू के बल्ले से आता हुआ दूसरा चौका इस मैच में, सोनू के बल्ले से निकलता हुआ है दूसरा चौका, शानदार बल्लेबाजी होती हुई सोनू के द्वारा। अगली बॉल मोंटू की सोनू के लिए और सोनू ने उठा के खेल दिया फाइन लेग की दिशा में, और पीछे फील्डर मौजूद राहुल, और एक दो रन चुराने में सफल यहां पर सोनू राठौड़। अच्छी बल्लेबाजी कप्तानी पारी यहां पर सोनू के द्वारा अच्छी कप्तानी पारी चलती हुई, 28 रनों की और आवश्यकता जीत के लिए। और ये बॉल मोंटू की सोनू के लिए, और एक मौका बन सकता है यहाँ पर, लेकिन एक रन से ही संतोष करना होगा यहाँ पर सुहाड़ा ए की टीम को। हमारे स्टार प्लेयर एड्रेसर, ये बॉल और ये उठा के मारना चाहते थे गुनी, और यहाँ पर अपील कीपर के द्वारा अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा यहाँ पर, शानदार अपील कीपर के द्वारा। सेवा में भी अपनी सेवा देते हैं और यहाँ पर गांव में भी, ये क्या हुआ, लड़ाई हो चुकी है क्या सांडा की, और जीत के लिए 18 बॉलों में 27 रनों की आवश्यकता, 3 ओवर में 27 रन की आवश्यकता, 9 रन प्रति ओवर की आवश्यकता। और शंकर आए हैं गेंदबाजी के लिए, और ये बॉल शंकर की सोनू के लिए, मिड विकेट की दिशा में खेला है, 2 रन आसानी से चुरा लेंगे यहाँ पर सोनू 2 रन आसानी से चुरा लेंगे। बाबा सुशील और बाबा कुछ कमाल नहीं कर पाए, इन्होंने भिवानी के खिलाफ 70 रन बनाए थे दुधवा में, और ध्यान रहे अगला मैच इनका इन्हीं के साथ है, भिवानी टीम ध्यान। और ये एक शॉर्ट रन यहाँ पर, और गुनिया के द्वारा हुई एक बार फिर से गलती, रन भी नहीं बनाते और रन शॉर्ट भी लेते हैं। अगली बॉल और एक बार फिर से उठा के खेल दिया सोनू ने, नीचे फील्डर मौजूद, और ये कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पर, कप्तान ने कैच छोड़ा। देखते हैं अब ये कैच कितना महंगा साबित होता है। और अब एक बार फिर से आए हैं गुनिया, और ये खेल दिया है लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, कप्तान एक रन से ही संतोष करना होगा। और कप्तान मग्गू ने कैच छोड़ा कप्तान का, देखते हैं कितना महंगा साबित होता है ये कैच। अगली बॉल और ये सामने उठा के खेल दिया है, नीचे फील्डर मौजूद, और ये कैच आउट, इस बार कोई गलती नहीं फील्डर के द्वारा, और कैच आउट। इस बार फील्डर
ये चार्ज ही कोनी भाई साहब लो चार्ज करवा दे थोड़ी देर ले ई भाग लो थोड़ी भागो मैं थे चौदह बॉलों में 25 रनों की आवश्यकता। मैच बहुत ही कांटेदार होने वाला है दोस्तों। 14 और ये उठा के खेल दिया, नीचे फील्डर मौजूद और ये कैच आउट, एक और कैच आउट यहाँ पर। शानदार फील्डिंग है यहाँ पर सुहाड़ा बी की तरफ से, सुहाड़ा बी की तरफ से शानदार फील्डिंग होती हुई और बैक टू बैक दो विकेट मिल चुके हैं और 13 बॉलों में 25 रनों की आवश्यकता और शंकर को यहाँ हैट्रिक बनाने का मौका, हैट्रिक बनाने का मौका यहाँ पर शंकर को। क्या वो हैट्रिक बना पाएंगे, क्या शंकर हैट्रिक बना पाएंगे इस ओवर की अंतिम बॉल। हेलो अंपायर कितनी बॉल हो गई, चार पांच हो गई, पांच 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 हो गई। इस ओवर की अंतिम बॉल, इस ओवर की अंतिम बॉल और नरेंद्र ने उठा के खेल दिया है। हाथ नहीं लगा शायद, ये बैठ जाओ बैठ जाओ, शांति रखो भाई ग्राउंड में। और 12 बॉलों में जीत के लिए 22 रनों की आवश्यकता, 12 बॉलों में जीत के लिए 22 रनों की आवश्यकता। केएमपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी वीर सिंह डंगी दो लोहारू से 2,70,000 रुपए में खरीदे गए हैं, 45,000 रुपए नहीं खरीदे। और एक बार फिर से आए अशोक, ये लड़ाई देख रहे भाई, थोड़ा साइड में हो भाई, अशोक आए हैं एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए और ये शानदार डॉट बॉल, क्या हुआ भाई डॉट बॉल, शानदार डॉट बॉल अशोक की यहाँ पर, शानदार डॉट बॉल। एक बार मैच बंद किया जाए भाई, अंपायर मैच रोके भाई, अठारह सताई सीधा। अरे वो लगा रखा है ग्रीन कूद पे यार, अरे क्या बताओ बच्चे बताओ है रिकॉर्ड बोर्ड, साठ बताओ साठ बोलूंगा। अरे रिकॉर्ड बोर्ड क्या बताओ है। हेलो हेलो प्लेयर भाई बताओ तो ना लिख दिया आठ ही डाले चौबीस चाहिए भाई, चौबीस साठ तक कढ़ाई चाहिए, साठ से 30 चाहिए। अरे चिक्कू प्लेयर जा रखे का तेरी लौट देते उन्हें अरे का तो बंटी फाट के नहीं बुला रहा खिलाड़ी ने काट के तरह है यार वो गिना सके वो बेटा सबर काट के है ग्यारह देश है सुना जा बार ग्यारह देश है चिकू ग्यारह देश है भाई 11 बॉलों में 23 रनों की आवश्यकता। कीपर तू क्या खतरा मित्र भाई
अशोक की नरेंद्र के लिए और ग्यारह बॉलों में 22 रन की जरूरत है। काफी अच्छा मैच, रोमांचक मैच, कांटे भरा मैच, काफी अच्छी बॉल अशोक की तरफ से और एक रन पूरा किया। 10 बॉलों में 21 रन की जरूरत है, टीम का आंकड़ा एक हो। 10 बॉलों में 21 रन की आवश्यकता, कमजोर दिल वाले मैच ना देखे भाई, कमजोर दिल वाले मैच बिल्कुल ना देखे भाई। शानदार मैच चलता हुआ सुहाड़ा ए वर्सेस सुहाड़ा बी के बीच, ये बॉल और ये कैच आउट, और ये कैच आउट, शानदार गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी यहां पर सुहाड़ा बी की तरफ से। आलिया आए हैं अब बैटिंग के लिए, देखते हैं ये बैट रेस्ट करते हैं या क्या करते हैं टीम के लिए, सुहागड़ा को सेमीफाइनल में पहुंचाते हैं। मैच काफी रोमांचक हो चुका है, ये चार्ज खत्म हो गया, चार्ज खत्म हो गया, चार्ज लगाऊं। शानदार मैच, 68 रन फोर विकेट, तीन बॉल हो चुके हैं इस ओवर की, काफी रोमांचक मैच। देखते हैं अशोक बिल्ला टीम के लिए क्या कर पाते हैं, टीम को सेमीफाइनल पहुंचाते हैं या बाहर करवाते हैं। काफी रोमांचक मैच, कांटे भरा मैच हो चुका है, दिए बड़ा तो ऊपर ना कर। काफी अच्छी बॉल, यॉर्कर बॉल डाली है, देखते हैं दो रन पूरे गए नहीं किया और मिस फील्डिंग, फिर दो रन पूरे किए, स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। चार बॉल हो चुके हैं इस ओवर की, 70 रन और ये फिर से विकेट, अशोक की घातक गेंदबाजी, आलिया 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 वापिस आते हुए, देखते हैं आप बैटिंग के लिए कौन आएंगे। लगता है टीम के सबसे भरोसेमंद बैट्समैन, ये शायद किसी को पता नहीं, स्वाड़ा टीम में बाहर खेलता तो हारती
यही कह रहे हैं चिन्नू भाई, मारने वाले तो किसी से भी मार सकते हैं, लखनऊ से भी मार सकते हैं। अगली बॉल काफी अच्छी बॉल अशोक ग्रुप बिल्ला की तरफ से और ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। अंतिम ओवर में 19 रन की जरूरत है सुहासरा टीम ए को। देखते हैं क्या होगा, बहुत ही रोमांचक है मैच। सत्तर रन हो चुके हैं सुहासरा ए टीम के, दो ओवर में 35 रन बनाकर भी 7 ओवर में 70 तक पहुंच चुकी है। और अनुशासन बनाए रखे, हार जीत तो होती रहती है, बच्चा कौन घूम रहा है, ये तो खेल का हिस्सा है। गर्मा गर्मी नहीं, खून खराबा नहीं चाहिए, थोड़ी सारी आंड दे दादी। सुहागरा टूर्नामेंट बढ़िया टूर्नामेंट के नाम से जाना जाना चाहिए। काफी अच्छा टूर्नामेंट हुआ है सुहागरा ग्राउंड में। 2002 से हो रहे हैं गांव में, ऐसे ही छोटे मोटे नोकझोंक होती है क्योंकि गांव के प्लेयर आपस में वो भिड़ेंगे ही, लेकिन अनुशासन बनाए रखे, काफी अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, बहुत ही निष्पक्ष टूर्नामेंट होगा। ना भाई जीत गया तभी। अंतिम ओवर टीम के सबसे भरोसेमंद बॉलर सिलिया स्टार लेके आए हैं, सामने उन्हीं के गाड़ी के प्लेयर। काफी अच्छी बॉल, डॉट बॉल, बहुत ही तेज बॉल कर रहे हैं यहाँ पर सिलिया स्टार। काफी एग्रेशन के साथ उतरते हैं सिलिया। हिंदी में कमेंट्री करिया, इंग्लिश में। काफी अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, जोर कर डाली है सिलिया ने। ऐसे इनको स्टार नहीं बोला जाता सुहागरा टीम का, सीनियर स्टार, सुपरस्टार, फाइव स्टार बॉलर। अगली बॉल सिलिया की माडू के लिए, और उठा लिया है पीछे 4 रन, काफी तेज बॉल ट्रेवल कर रही है। 3 बॉल में 14 रन की जरूरत है, देखते हैं क्या करते हैं, क्या ये डेविन स्मिथ वाली पारी को दोहराते हैं। डेविन स्मिथ ने बनाए थे बैन हिल्फिनोस के विरुद्ध मुंबई की तरफ से, 3 बॉलों में 14 रन। काफी अच्छी बॉल, और ये बॉल को गैदर कर लिया है धोनी ने, देखते हैं अंपायर क्या फैसला होगा। नॉट आउट, 2 बॉल में 12 रन, 2 छक्के, जीत की आस ले रहे हो सोनू? क्या मारू राहुल टेवटिया बन के दिखाएंगे सुहासरा टीम में के, देखते हैं क्या मारू राहुल टेवटिया वाला काम करके दिखाएंगे। 2 बॉल में 2 छक्के, इंग्लिश में करते तो कर यार इंग्लिश में। अगर मारू 2 छक्के लगाते हैं तो चिन्नू शर्मा की तरफ से 500 रुपए का नगद इनाम। प्रवीण भाई बैठे, ये बैठे 2,50,000 रुपए और सही। ये जोश देखो इनका, जोश काफी लबरेज ये टीम। इनकी पहली भी खटपट होती रहती है गांव में, काफी जोश से भरे हुए हैं सीनियर स्टार। काफी रोमांचक मैच, और सुहासरा बी टीम जीत की दहलीज पर, लास्ट बॉल और हार चुके हैं सुहागरा ए टीम। सुहागरा बी टीम ने यह मैच 11 रनों से जीत लिया। अगला मैच सुहासरा वर्सेस भिवानी, सुहासरा बी वर्सेस भिवानी।
पहला सेमीफाइनल होगा सौसड़ा बी वर्सेस भिवानी। भिवानी के सुमित कौशिक